मैं गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता था और उनकी पुस्तकें पढ़कर ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक दिन लेखक बनूंगा या गुलशन नंदा जी बनूंगा। चाय तो एक मजबूरी है कि चाय का काम कर रहा हो तो इससे घर चल रहा मेरा, इसकी इनकम इतनी हो जाए कि मेरा घर चले तो मैं इसे प्रणाम कर लूँगा। गांव में मैं खेतीबाड़ी का काम करता था। गांव से फिर मैं 40 रुपए लेकर भोपाल आया, वहां पर काम किया, फिर मैं दिल्ली आया। मैं चला था वहां से घर से, इसीलिए चला था कि मुझे अब लेखक बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। शुरू शुरू में मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं अपने आप को लेखक घोषित नहीं करता हूँ क्योंकि इस समय तो मैं एक चाय वाला हूँ और मैं स्कूल और कॉलेज में जाता था एज ए हेल्पर के रूप में या सर्वेंट के रूप में जाता था कि ये प्रकाशक की तरफ से आया हुआ है, तो वहाँ लेखक क्या बताऊँगा। लेखक बताने के बाद शायद उनको यकीन नहीं होगा कि ये मैंने लिखी हुई है, ताकि भाई ये एक लेखक है लेकिन चाय बेचता है। अगर ये लेखक है तो चाय क्यों बेच रहा है, और चाय बेच रहा है तो लिखता क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए एक आश्चर्य होता है। पहली बार जब मैं गया था प्रकाशों के पास तो एक ने कहा था मुझे गेट आउट, मैं प्रणाम करता हूँ उस आदमी को कि उसकी वजह से सब ये दिख रहा है। लोग जो मिलते हैं मुझे या लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पर बैठे हुए, तो वही मेरे कैरेक्टर होते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके व्यक्तिगत विचारों को मैं सुनता हूँ, मेरे पास आने वाले ग्राहकों को भी मैं सुनता हूँ, और एक दूसरे के बारे में जब बताया जाता है वो सुनता हूँ, तब मुझे लगता है कि इनके बारे में लिखना चाहिए, और वही कथानक मैं लिखता हूँ। अवार्ड मिल रहे हैं उसमें इतनी कोई खुशी नहीं होती है, पर खुशी तब होती है जब किताबें जाती है, लोग पढ़ते हैं और प्रशंसा करते हैं, तब हमें लगता है कि वास्तव में हम लेखक हैं। लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है, ये बार बार कहता हूँ मैं, ना अपेक्षा करो ना प्रतीक्षा करो और आगे बढ़ो, आप अपने अपना जो टारगेट है उसे पूरा कर लोगे। यहाँ दिल्ली में आया हूँ तो गुलशन नंदा जी बनने के लिए आया था, लेकिन गुलशन नंदा जी तो बन चुका हूँ, अब मैं शेक्सपियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पुस्तकें देश विदेश में जाएँ।